आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यूपी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर छिड़ी ताजा बहस के बीच संजय सिंह का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, इस पर नियंत्रण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 153 विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, पहले उनकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के बारे में भी जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए एक नज़र। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आप कानून किस प्रकार का ला रहे हैं? आपने एक कानून बनाया जिसका ड्राफ्ट अभी थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने को मिला और मैं एक सांसद होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ, उसमें आपने लिखा कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होने पर प्रधान नहीं बन सकता, PDC नहीं बन सकता, ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता, जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता, चेयरमैन नहीं बन सकता, मेयर नहीं बन सकता, पार्षद नहीं बन सकता, सभासद नहीं बन सकता, प्रधान तो नहीं बन सकता लेकिन प्रधानमंत्री बन सकता है, ये कौन सा नियम है? MLA और MP के चुनाव में आप क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? आप लिखिए अपने कानून में कि 2 से ज़्यादा बच्चे जिसके भी होंगे वो MP और MLA का चुनाव नहीं लड़ सकता, मंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये लिखिए। क्योंकि आदर्श तो ऊपर से स्थापित होगा ना, 153 विधायक है उत्तर प्रदेश में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनके सबके टिकट कटने चाहिए। आप कानून बनाइए तो समानता के कानून बनाइए। गांव में रहने वाला गरीब आदमी जो 5 साल तैयारी करता है बेचारा, उसको तो आप रोक रहे हो कि नहीं साहब 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप प्रधान नहीं बन सकते, BDC नहीं बन सकते, MP MLA क्यों बन सकते हैं भाई, उस पर भी रोक लगाइए। UP City News, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।